न्यू चैप्टर, क्या नाम है चैप्टर का भाई? हाँ देखो, ऐसा नहीं लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये तो मैग्नेट के पास होती है ना, मैग्नेट रख दो उसके आजू बाजू में आ जाती है ऑटोमेटिक, है ना, हमको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये उसकी बात ही नहीं कर रहा ना, ये तो बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये है एवरीवन, देखो बहुत सारे साइंटिस्ट है, एवरियन हैंस ओयरस्टेड है और बहुत सारे ठीक है। तो सुनो, तो मैंने कहा बहुत सारे साइंटिस्ट ने एवरियन इस पर रिसर्च किया, कहानी को आगे बढ़ा, लेकिन सबसे पहला बंदा ये था, क्या नाम था भाई? इस बंदे ने एक्चुअली पहली बार डिस्कवर किया था कि भैया इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ भी, पहला आइडिया इसका था कि भैया जहां भी इलेक्ट्रिक करंट होती है ना साथ में, और हमने भी कई बार ऐसे कहानी किससे सुने होंगे भैया, हमारे गांव में ना ऐसा कहानी सुनाते रहते थे कि हमारे गांव में ना ऐसा हुआ कि वो हमारे ना फलाना फलाना रिश्तेदार है, वो ना छत पे गई कपड़ा सुखाने के लिए, ओके, और कपड़ा सुखा रही एक वायर पे, वायर में था करंट, ठीक है, फिर हमारी खाला कभी वापस आई नहीं, आज तक कपड़े सुखाने के बाद वापस घर पे आई नहीं, ओके, क्लियर होता ऐसा एवरीवन, है ना, नहीं होता है? अरे एक एग्जांपल था वो, ओके, बोले तो मेरी खाला के साथ ऐसा नहीं हुआ, ओके, डोंट टेक इट पर्सनल यार, यार एवरीवन यार मेरी बात सुनो, है ना, एक बार बोलते ना भाई वो बंदा खंबे को चिपक गया, वायर को चिपक गया, सब वर्ड्स यूज करते ना हम लोग, वो चिपक गया का मतलब क्या भैया? उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड पकड़ लेती है ना, यही सीन है भाई, ओके, एनी हाउ चलो भाई सुनो। तो और भी लोग थे जिन्होंने फिर बाद में इस पर रिसर्च किया, गॉस है, हेनरी है, फैराडे है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन कहानी की शुरुआत किसने की थी भाई? हाँ, तो इस बंदे ने बताया था कि जहां कहीं भी करंट होगा, करंट के साथ साथ बोलो ना, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका कुछ तो है ना, तो सुनो क्या लिखा नाम, बोलो जोर से। तो राइट हैंड रूल हमको ये बता रहेगा, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो ना यहाँ पे थ्री फिंगर्स ऐसे रखे राइट हैंड के, राइट हैंड के थ्री फिंगर्स, ठीक है, सब लोग ऐसा करो, हाँ ठीक है, बराबर करो, बाजू वाले को बुरा नहीं लगे, ओके, हियर एवरीवन, हियर सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो हियर, क्या इसमें क्या हंसने की बात है? सुनो मेरी बात, ओके, तो इमेजिन करो, ओके, अब देखो कुछ चीज़ें होती है ना एवरीवन, जो टीचर अपनी जान डाल के सिखाता लेकिन नहीं समझते, अब ऐसी दूसरी चीज़ करो, अरे आप क्या सिखा रहे यार, ओके, हम सब सिखाए हुए सब में बोले, ओके, आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो बताओ सर, बोले एवरीबडी यार सुनो, तो मेरी बात सुनो एवरीबडी यार सुनो, तो ये जो है, ये तो हमारा, अच्छा भाई तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थम, इसको, अरे इधर लिखा है सब, क्या लिखा है, और इसको क्या बोलेंगे, मिडल फिंगर, ठीक है, ओके, तो अगर मान लो, इमेजिन करो सीन क्या है, अगर थम ये बता रहा है, क्या बता रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, ओके, तो आपका कौन सा फिंगर है ये, क्या बताएगा, और ये वाला फिंगर कौन सा, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ओके, तो इन शॉर्ट एवरीवन, कंडक्टर का मोशन ऐसा है, ओके, मतलब क्या सीन, क्या देखो एवरीवन, सीन ये है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या है, यानी एक वायर है जिसको हम मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर, तभी तो एवरीवन क्या लिखा है ये, और उसके वजह से क्या हो गया एवरीवन, इस वायर में प्रोड्यूस हो गया ये, क्या प्रोड्यूस हो गया, और हम सबको मालूम है जब भी ये होता है वहां पे क्या हो जाता है, ईएमएफ आता है, ईएमएफ की वजह से आई आता है, याद है ना, डी फाई अपॉन डी टी मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यस नो, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है इंड्यूस ईएमएफ, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है इंड्यूस, बहुत देखो इतना देखो कि आपके सिस्टम में फिट हो जाना चाहिए सब कुछ, सुनो एवरीबडी यार, तो अब इसकी वजह से ये हो गया, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है, अब इन दोनों के प्रेजेंस में ये प्रेजेंस प्रोड्यूस हो गया क्या,
क्योंकि जहां करंट होगा वहां पे तो कैसा भी करंट हो ये तो आएगा ही साथ में, उसका डायरेक्शन कौन बताएगा भाई, ये बता। ठीक है एवरीबॉडी, ओके। तो इस रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, बस एकदम सिंपल सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से जिससे समझेंगे कि हमने ये तो सुना है मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या होती है, लेकिन सुनो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड किससे बना होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है ना भाई इंसान की, हाँ ये है लेकिन उसके अंदर क्या है, बराबर। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमको इतना तो 11th में भी बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो अंदर होती है, इन्हीं से बनता है। हाँ तो भैया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से इसलिए इसको क्या नाम दिए बोलो ना सर, इसको समझने का कोई तरीका है, हाँ हम इसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। सुनो भाई क्या किया हमने, एवरीबॉडी हियर जरा इस सीन को ध्यान से देखना, सीन में क्या है पढ़ो कनेक्ट, अली पढ़ो जोर से, हाँ व्हेन अ लार्ज करंट 1 एम्पियर सुनो होल्ड ऑन क्या करना है सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने एक सर्किट लिए, सर्किट में यहां पे हमारे पास क्या है वो बैटरी, ओके ऐसी बैटरी लो कि करंट आपका या तो इतना हो या तो उससे ज्यादा हो, उसको मेजर करने के लिए चेक करने के लिए क्या लगा दिए एम्पियर, क्या है वो बोले सर सेम ही तो है, नहीं ये एमीटर है, उसके बाजू में क्या है, अच्छा रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा एरो क्यों बनाते हैं, हाँ हदी क्या बात होगी, पीछे क्या देख रहा है आवाम मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हाँ बैठो ओके, क्यों बनाते हैं ये एरो पीछे से, कौन बता सकता बॉयस में, हाँ एरोन रेजिस्टेंस, बैठो देखो भाई ये जो रेजिस्टेंस है ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड, फिक्स मतलब जो है सो है, हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरा होता है, पर आपने लैब में भी देखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, उसके ऊपर से काले काले कलर के बटन होते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं वापस इंसर्ट कर सकते हैं, वो तभी यूज करते हैं जब हमको रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज करना होता ना आपने एवरेज, तो अगर कभी भी ऐसा एरो आ गया रेजिस्टेंस के ऊपर इसका मतलब भैया ये एक्सपेरिमेंट के दौरान हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को जरूरत पड़ी तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है अगर एरो नहीं है चेंज नहीं, ये बस इतना ही मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है फाइन ओके चलो रेडी हियर, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबॉडी हियर, यहां पे लगाया हमने एक क्या लगाया कार्डबोर्ड, ओके तो भैया हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में कितना कितना कितना, हाँ और ये जो वायर है वायर कैसा है भैया, और रास्ते में हमने लगाया एक ओके, अब हम रास्ते में यहाँ पे इस कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे क्या, बोलो जोर से, यानी सर मैग्नेटिक कंपास आपने देखा होगा, मैग्नेटिक कंपास जिसमें ऐसा एरो होता है निडल होता है ना, देखो भाई क्या करेंगे इस मैग्नेटिक कंपास को जिसको यहाँ पे मैग्नेटिक निडल बोला गया कार्डबोर्ड में अलग अलग पॉइंट पे रखेंगे, देखो लिखा है सब लोग पढ़ो क्या लिखा है, तो बड़ा सा कार्डबोर्ड है मैग्नेटिक निडल यहाँ कैंपस यहाँ रखे फिर थोड़ा आगे रखे फिर थोड़ा आगे रखे थोड़ा इधर रखे थोड़ा उधर रखे, और हाँ जहां भी रखेंगे ना सुनो क्या करेंगे, खाली यहां से पढ़ना जोर से, भैया जहां जहां तुम उसको रखोगे उसका मैग्नेटिक निडल अलग अलग
डायरेक्शन बताएगा, जहां पे भी वो डायरेक्शन बता रहा है आप पेंसिल से उसको मार्क कर ले। जब ये पूरा प्रोसीजर खत्म करोगे ना, उस कार्डबोर्ड पे आपको ऐसे पेंसिल के मार्क्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। अंदर एक सर्कल है, फिर एक और सर्कल है, फिर एक सर्कल है, बराबर ऐसे मार्क्स दिखे। क्या मतलब सर इसका? अरे पहले तो ये समझो, ये मार्क्स कब मिले हमको? जब हमने क्या रखा? मैग्नेटिक नीडल भैया किसके डायरेक्शन बताएंगे? ऑब्वियसली मैग्नेटिक नीडल है यार, वो किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो सुनो, ये जितने भी सर्कल मिले, सर्कल को क्या मिलेंगे? लूप। द लूप ऑफ दिस मार्किंग गिव्स आइडिया, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन एक किसका आइडिया दिया भैया? अबाउट, सब बोलो भैया, मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइंस होते हैं ना, वो होते कैसे? तो हमको थोड़ा आइडिया मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है ना, अंदर एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल, ठीक है ना। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये नाम भी हम लोग पहले सुन चुके हो, चलो ठीक है। ये देखो, यही सब इससे पता चला। और बाद में हमने क्या किया मालूम है? इसको आसानी से समझने के लिए एक रूल बनाया। क्या नाम? बोलो जोर से। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? एवरीवन सुनो, आप अपना पेन या पेंसिल अगर अपने राइट हैंड में रख के थंब ऐसा करोगे, थंब स्ट्रेट, ओके। पेन या पेंसिल रखो जरा हाथ में और थंब को ऐसा स्ट्रेट करो, ओके। वो पेन या पेंसिल आपका ये है, क्या है वो? क्या है वो? हाँ, आपका थंब जो है, क्या थंब? थंब ये बताएगा। सब बोलो क्या लिखा है? मतलब थंब क्या बताएगा? करंट का डायरेक्शन बताएगा। और आपके जो कर्ल्ड फिंगर्स है, कर्ल्ड फिंगर्स है ना, तो आपके कर्ल्ड फिंगर्स क्या बताएंगे भाई? सब बोलो, ये देख लो, ये देख लो। तो अगर आपने पेन को ऐसा रखा है, आपका करंट का डायरेक्शन अगर ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन ये। अब जैसा भी घुमाओ उसको, करंट का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का इधर, ऐसा घुमा दो, करंट का डायरेक्शन इधर तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। बात समझ में आ रही है एवरीवन? तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ करंट जाएगा और उसके हिसाब से कहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, जैसा भी बस है। सर ऐसा क्यों बोलते हैं लोग राइट हैंड थंब लेफ्ट हैंड? सीन उल्टा हो जाएगा ना, सीन उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं? है ना। तो इसलिए राइट हैंड बोले तो राइट हैंड ही लेना है आपको यार, कहीं कहीं पे लेफ्ट हैंड बोलेगा तो वहां पे लेफ्ट हैंड ही लेना है। व्हाट द पॉइंट एवरीबॉडी? ओके, तो ये तो इससे क्या पता चला हमको? डायरेक्शन ऑफ द करंट के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो। क्लियर एवरीवन? एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो भाई, कहानी क्या है? हियर एवरीवन, हियर, सुनो भाई। तो क्या कह रहा था एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 3। How can one account for the force exerted by the current carrying wire on its neighboring current carrying wire? सुनो, दो वायर है, दिख रहा है? एक वायर ऐसे टाइप का, कैसे टाइप का है बोलो ना, और दूसरा वायर भी क्या है भैया? तो एक करंट कैरिंग वायर अपने बाजू वाले करंट कैरिंग वायर पे कैसे फोर्स एग्जर्ट करेगा, कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा भी ये नहीं करेगा, ये सब बात, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास दो वायर है, हमारे पास, और दोनों वायर में करंट कैरी हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखे थे, क्या देखे थे बोलो ना जोर से? ऑब्वियसली एवरीवन, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है, इसके पास करंट होगा, और जहां कभी करंट होता है हमको मालूम है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है ना। तो इसका मतलब ये है, और हमने देखा था वो राइट हैंड थंब रूल में, मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक डायरेक्शन होता है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स का अपना एक, तो लिखा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द वायर वन At any point on wire 2 is directed into the plane of the paper.
इसका मतलब क्या है कि भैया अगर ये वायर वन है और ये वायर टू है, तो वायर टू का ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वायर वन के तरफ होगा, इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, उसको मतलब अगर ये वायर वन है और ये वायर टू है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा और उसको ऐसा पुश कर रहा होगा इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो आप देख सकते हो एवरीवन कि लिखा है वायर टू एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एफ बार टुवर्ड्स वायर वन। ओके, वायर टू और वायर वन, इसका फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, उसका फोर्स ये एक्सपीरियंस, क्योंकि करंट तो दोनों के पास है, और अगर करंट दोनों के पास है तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स भी दोनों के पास है। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस बारे में क्या कहता है? ओके, सुनो भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट, इस बार लेफ्ट हैंड रूल, क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भैया? सुनो एवरीबॉडी यार, तो लेफ्ट हैंड में अगेन ये क्या है, थंब, ये क्या है इंडेक्स फिंगर, और ये क्या है मिडल फिंगर। तो क्या बोला जा रहा है भाई, देखो अगर मिडल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, और थंब क्या इंडिकेट करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उसका हाँ ना आपने एवरीवन। ओके, या मैं ऐसा बोलूंगा ओके कि अगर मिडल फिगर इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ, और अगर ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ, तो भैया आपका थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ बार एक्सपीरियंस्ड बाय द मतलब अगर इसमें से कोई चार्ज मूव हो रहा है, करंट जहां पे मूव ठीक है सुनो हाँ भाई, तो मिडल फिगर क्या इंडिकेट कर रहा था, करंट का डायरेक्शन याद रखना, ये क्या इंडिकेट कर रहा था, इंडेक्स फिंगर, डायरेक्शन ऑफ द, तो ये इंडिकेट करेगा फोर्स, हमने सुना थंब इंडिकेट करेगा क्या फोर्स, लेकिन वो फोर्स आ किस पे रहा है, वो फोर्स आएगा इस पे भाई, हमको मालूम है जहां कहीं भी करंट फ्लो होता है वहां पे चार्ज मूव होते, क्या होता है वहां पे भैया, अगर मान लो चार्ज ऐसे मूव रहा है ओके, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स आएगा, और वो फोर्स का एक डायरेक्शन होगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो फिर एक बार एवरीवन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ, ये क्या इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, वो फोर्स जो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, मूविंग चार्ज, सर मूविंग चार्ज क्यों, क्योंकि इसमें करंट है, और करंट वहीं होता है जहां पे चार्ज मूव होता है, चार्ज मूव हो गया तो ही करंट ना भाई, चार्ज अगर खड़े रहेगा तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, लेकिन नहीं, चार्ज मूव हो गया तो वो करंट है। ठीक है, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फाइन ओके, तो जरा ना ये दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश कर लेंगे हम लोग। ओके, पढ़ो क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन अली ठीक है भाई, देखो सुनो सीन, देखो क्या है, एक बार एक मूविंग चार्ज को रखे कहां पे, दूसरे केस में एक मूविंग चार्ज है कहां पे, सुना आपने एवरेज, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, यहां पे कौन सा फील्ड है, यहां पे कौन सा फील्ड है, बोले दोनों ही केस में हमारा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बताओ। तो सुनो भाई, सबसे पहली बात, अगर वो ये है, क्या है बोलो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसके लिए ये फॉर्मूला है, सब पढ़ो क्या है बोलो जोर से, शायद ना ओके। तो सर एफ ई बार कौन है, ऑब्वियसली फोर्स है, क्यू कौन है, ऑब्वियसली चार्ज है, यही तो चार्ज है, और ई कौन है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। लेकिन अगर हमारा चार्ज यहां पर है, कहां पर है, तब जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो ये फॉर्मूला नहीं, वो इससे दिया जाता है, सब बोलो क्या है, बोलो ना,
अरे बोलो FM बार कौन? ऑब्वियसली फोर्स. क्यू कौन? बट ऑब्वियस है, ये हमारा चार्ज है. बी कौन है? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है. और वी कौन है? ये हमारा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज. ठीक है, तो भाई ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. यहाँ पे भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वहां पे भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. लेकिन दोनों फोर्स को बताने के लिए फॉर्मूले अलग अलग है. ठीक है, अब बात चलेगी मैग्नीट्यूड की. इसकी भाई अब आप ही बताओ, इस फॉर्मूले में कौन है क्यू वी बार, जबकि इस फॉर्मूले में कौन है क्यू वी बार क्रॉस बी बार. अब आपको तो मालूम है फॉर्मूला, ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, साइन थीटा. ओके, बोलो ए बार क्रॉस बी बार. बोलो तो भैया, वी बार क्रॉस बी बार क्या होगा? ये इसका मतलब है यहां पे हमारा जो फोर्स है वो किसको किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक तो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा चार्ज को, दूसरा हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को. देखो यहां पे लिखा है फोर्स प्रोपोर्शनल है, पहला किसको? मैग्नेट ऑफ चार्ज को. दूसरा किसको? मैग्नेट. जबकि यहां पे ना चेक कर लो, यहां पे अलग अलग लोग है. मतलब यहां पे हमारा फोर्स किसको किसको प्रोपोर्शनल होगा? एक तो हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल होगा चार्ज को, दूसरा हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल होगा बी को. बी कौन सर? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज. तीसरा हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल होगा बी कौन? बी कौन सर? मैग्नेटिक इंडक्शन. और तीसरा हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा. क्या होता है इनफैक्ट, बराबर है? तो यहां पे ये दो बातें, यहां पे ये चार बातें लिख लो. डन. सुनो सुनो भाई, तो यहां पे हमारा ये फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? और बस वही लिखना है यहां पे, मैग्नीट्यूड दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड. उधर हमारा फोर्स किसको प्रोपोर्शनल है? पहला चार्ज, दूसरा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन, और चौथा यानी एंगल बिटवीन वी एंड बी. बी क्रॉस बी है ना, तो वी और बी के बीच का एंगल. तो देखो वही चीज लिखना है भैया, हमारा फोर्स किसको प्रोपोर्शनल है? पहला 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 कौन है अपना? क्यू. क्यू यानी कौन? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. क्यू यानी कौन? फिर वी. वी यानी कौन? फिर बी. बी यानी कौन? और फिर साइन थीटा. साइन थीटा यानी कौन? जो जो यहां दिख रहा है वही खाली लिख दिए, बन गया आपका पॉइंट. ठीक है, चलो भाई ये कहानी खत्म. अगला पॉइंट देखो क्या है. अगला पॉइंट है ना एवरीवन, बेसिकली एक बंदा आप देख रहे हो यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है. कौन? वेलोसिटी. ऐसे तो और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन अपन वी पे फोकस करेंगे. वहां पे वी है, यहां पे वी. बाय द वे वी है कौन? इसका वेलोसिटी ऑफ द चार्ज. बोलो. अभी यहां पे वी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये वाला फोर्स वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पर डिपेंड. अभी तो वर्ड क्या लिखा है बोलो ना, मतलब डिपेंड. जबकि इस फॉर्मूले में वी है, मतलब हमारा फोर्स वेलोसिटी पे करता है. सही है? ओके चलो, अगला जो पॉइंट है फिर इसी पे बेस्ड है. ओके, कैसे मालूम? देखो ये फॉर्मूले में ना क्या लिखा है, क्या लिखा है, पूरा पढ़ो पूरा पढ़ो. एफ एम बार ये पढ़े, इसमें क्या लिखा है? देखो यहां पे क्योंकि कोई क्रॉस वॉस नहीं है तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन में ये भी भागेगा. समझाता हूं क्या लिखा है, सब बोलो. मतलब क्या है? मतलब ये है जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका है. जबकि यहां पे क्या है, क्या है? मेरी एक बात सुनो मेरे, जब कभी आप बोलते हो ना ए बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार, इसका मतलब क्या पता है? बी बार और क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार का मतलब यह है कि जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ना, क्या आएगा? उसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, उसके आंसर का डायरेक्शन और इसके आंसर का डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे.
करेंगे, देखो देखो क्या लिखा है, यहां पे लिखा था फोर्स का डायरेक्शन और इबार का डायरेक्शन, यहां पे लिखा है फोर्स का डायरेक्शन, इन दोनों के प्लेन को क्यों सर, क्योंकि फॉर्मूले में क्रॉस आ गया, फॉर्मूले में क्रॉस आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट होता ही ऐसा है एवरीवन, क्रॉस प्रोडक्ट होता ही ऐसा है। यहां पे इन दोनों का डायरेक्शन होगा, सुनो कभी भी किसी ने बोल दिया भैया याद रखना ए बार क्रॉस बी बार, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका ए बार है और ये आपका बी बार है तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी आंसर, मान लो आंसर है सी बार, वो सी बार कहाँ होगा सर, ए बार पे होगा कि बी बार पे, अरे ना वो ए बार पे होगा ना वो बी बार पे होगा, इनफैक्ट उन दोनों को वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है लेकिन उन दोनों को उस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, ये उसका मतलब वेक्टर्स का असली जिंदगी में ये मतलब। देखो कितना अभी सोचने ऐसी बात है एवरेन, एक फॉर्मूले ने बता दिया डायरेक्शन क्या रहेगा, यहां पे क्योंकि कोई क्रॉस नहीं है यहां पे हमने डायरेक्ट लिख दिए भैया फोर्स का डायरेक्शन और इबार का डायरेक्शन, लेकिन क्योंकि यहां पे फॉर्मूले में क्या आ गया, क्या आ गया, तो उसका असली जिंदगी में रियल लाइफ में इंपैक्ट होता है। यहां पे जो भी इन दोनों का डायरेक्शन है, मान लो ये वी बार है ये बी बार है, ये वी बार है और ये आपका एफ एम बार, ना वी बार पे होगा ना बी बार पे होगा, बल्कि उन दोनों को वो ऊपर हो या नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन उन दोनों को परपेंडिकुलर जरूर होगा, वो ऊपर होगा कि नीचे होगा वो सब के लिए हमने रूल्स पढ़े ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फनाला रूल, डिमका रूल पढ़े ना, वो तो अपने को बता देगा ऊपर होगा कि नीचे होगा, लेकिन फॉर्मूला एक बात बता रहा है कि आपका जो एफएम बार है आपका जो फोर्स है ना वो बी बार पे होगा ना वो बी बार पे होगा, बल्कि दोनों को, क्योंकि फॉर्मूले में क्रॉस आ गया, सही है। और यही बात आखिरी पॉइंट में लिखी है, ओके पढ़ो यहां पे सब लोग पढ़ो क्या लिखा, ओके अली ये पढ़ना, यस ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है। एक बंदा था जिसका नाम था लॉरेंस, क्या नाम था बोलो ना, ये बंदे ने क्या सोचा मालूम है, ये बंदे ने इस बात पे सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होगा मैग्नेटिक फील्ड में वो होगा, वो हमने देख लिए, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्या फोर्स होगा, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो क्या फोर्स होगा, ये हमने देख लिए। ये बंदे ने सोचा अगर दोनों है तो, मतलब एक चार्ज है एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक तरफ से वो चार्ज को क्या होगा, ये भी तो एक केस है ना, है ना। अब ये भी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो ये होगा, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो ये होगा। ये बंदे ने बोला भाई एक काम करो दोनों लगा दो, मतलब सब बोलो दोनों लगा दो भाई, किस पे, चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा सुनो। इस बंदे को पता चला कि अगर आपने दोनों रख दिए तो उस चार्ज पे इतना फोर्स आएगा, सब बोलो कितना आएगा, ये एफ ई बार कौन है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये एफ एम बार कौन है, मतलब ये वो फोर्स है जो चार्ज पे आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये फोर्स है, ये वो फोर्स है जो चार्ज पे आ रहा था। बोले जब दोनों रहेंगे ना तो चार्ज पे कितना फोर्स आएगा, इन दोनों का, हाँ इन दोनों का प्लस कर दो जो भी आंसर आएगा वो फोर्स आएगा। यही बात यहाँ डेफिनेशन में लॉ में लिखा गया है, सुनो पढ़ो जोर से अली, हाँ तो भाई हमने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे जगह में मूव कर दिया जहां पे दोनों है, मतलब चार्ज पार्टिकल यहां पे भाग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिए मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिए, और देखे देखे ये देखने की कोशिश करी चार्ज पे कितना फोर्स आ, चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड भारी पड़ रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड भारी पड़ रहा है,
हमको पता चला यार कि जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा ना हमारा चार्ज पार्टिकल वो क्या है, यहाँ से पढ़ो जोर से, या तो यहाँ से पढ़ो जोर से नेट, यानी सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ना। तो इस बंदे को पता चला कि भैया उस पे जो फोर्स आएगा वो दोनों का प्लस होगा। कौन दोनों का? इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स आने वाला है वो एफ ई बार प्लस, और इस नए फोर्स को भैया जो काम करेगा उसी का नाम दिया जाएगा ना, तो इसको नाम दिया गया ये ओके ऐसा है बस, और कुछ नहीं ओके। अब एवरेन इसका इसका फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भैया? सिंपल, हमारा चार्ज कहाँ पे रखा गया है? हमारा चार्ज रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, और है ना, और हमारे चार्ज की वेलोसिटी क्या है भी? और हमको तो मालूम है अभी अभी देखे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बिना देखे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से नेट फोर्स कितना होगा दोनों का खत्म। थोड़ा ली जोर से, बस बस बस, अब हमको मालूम है ना एफ ई बार का ये फॉर्मूला, एफ एम बार का ये फॉर्मूला, चालो तो ये मिलेगा पड़ोली। अब आगे का तो कॉमन सेंस है कि भाई क्यू इधर भी और क्यू, तो कॉमन निकाल लेंगे, खत्म खेल। पढ़ो जोर से, ये है हमारा इक्वेशन जिसको कहते हैं लॉरेंट्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इतनी सी बात, ठीक है, चलो।